करनाल में दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया है, जहां मूनक रोड फ्लाईओवर पर सैर करने निकले व्यक्ति के गले से दो बाइक सवार युवक सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और थाना सदर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की छानबीन शुरू कर दी। वहीं पीड़ित व्यक्ति सतविंदर मान ने पुलिस को बताया कि वो रोजाना सुबह 6:30 बजे यहां सैर करने आता है। आज वो सैर के बाद घर वापस लौटने लगा, तभी अचानक पीछे से दो अज्ञात युवक आए और चंद मिनटों में उसके गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक वो काफी दूर जा चुके थे। जिस टाइम नीचे उतर रहे थे ना, पीछे से दो जने आए, चैन का झटका मारा और बेचने के बाद आधी चैन टूट गई, आधी रह गई मेरे कपड़ों में उलझ गई। तो किस पे थे वो? अपाचे मोटरसाइकिल थी। कोई कपड़े वगैरह? ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, स्वेट शर्ट। आगे जाके वो पीछे वाला मुड़के देखा, वो हमने देखा उसका चेहरा, थोड़ा सा याद है। बिल्कुल दिन दिहाड़े इस तरह की वारदात हो गई। हाँ जी, 8 बजे की बात। तो रोजाना सैर करते हैं आप यहाँ? डेली करूँगा, 6:30 बजे निकलते हैं हम सैर करने, 8 बजे तक यहाँ पहुँचते हैं। वही घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 और सदर थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह सैर के लिए जो गए थे, तो जब सैर से वो वापस आ रहे थे तो बाइक सवार थे दो जिनों अनजाने, उन्होंने इनकी चैन को जो है तोड़ कर फरार हो गए। तो मौके पर पहुंचे, अभी जैसे ही अपना सफेद रंग की स्पोर्ट्स बाइक बता रहे हैं। हाँ, सफेद रंग की अपाचे बाइक बताई। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जी कैमरे देखे जाएंगे। हाँ, कैमरे। बहरहाल शहर में रोजाना बढ़ती जा रही चेन स्नेचिंग की वारदातों के बाद आसपास के लोग काफी परेशान हैं, तो वहीं पुलिस को इन झपट मारों से निपटने के लिए जल्द पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।